मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने किहार सिविल अस्पताल में कूलर व फिल्टर लगाकर लोगों को राहत प्रदान की। सोसाइटी के प्रदेश मीडिया प्रभारी गुलजार मोहम्मद व सोसाइटी के महासचिव यूनिस मलिक कुछ दिन पहले किहार अस्पताल गए थे। वहां पर लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा था, जिसके कारण लोगों को पानी के बगैर काफी परेशानी हो रही थी। लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने सिविल अस्पताल के BMO डॉक्टर सचिन व डॉक्टर हिमांशु पटियाल से इस बारे चर्चा की तो उन्होंने भी इस समस्या के बारे में बताया। उसके बाद सोसाइटी के जिलाध्यक्ष लतीफ मोहम्मद व सोसाइटी की पूरी टीम के साथ इस पर चर्चा करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि सोसाइटी सिविल अस्पताल किहार में अपनी तरफ से कूलर व फिल्टर डोनेट करेगी, ताकि लोगों को पीने के पानी की समस्या से राहत मिल सके। आज मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के जिलाध्यक्ष लतीफ मोहम्मद व पूर्व जिला परिषद धर्म सिंह पठानिया, सोसाइटी के ब्लॉक अध्यक्ष याकूब मागरा, उपाध्यक्ष अशरफ मागरा, शाहिद मोहम्मद, अब्बास भट्ट, महबूब मास्टर, फरोक मास्टर, मुश्ताक मोहम्मद, लियाकत अली प्रदेश उपाध्यक्ष, दिलावर खान महासचिव, इकबाल मागरा, रमजान मोहम्मद रफी प्रदेश सचिव व हाशु शेख इस मौके पर मौजूद रहे। जो मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी है उनके अध्यक्ष हमारे एडवोकेट लतीश जी और इनके जितने भी पदाधिकारी हैं और जितने भी इनके मेंबर साहबान हैं, जो इस सोसाइटी को रन करने के लिए अपना सहयोग कर रहे हैं, जो अपनी मेहनत की कमाई सोसाइटी के लिए डोनेट करते हैं और ज़रूरत बनने पर लोगों के लिए सहारा बनती है सोसाइटी, मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने हमारे सिविल हॉस्पिटल किहार के लिए ये आज जो है एक कूलर के साथ फिल्टर भी लगा के दिया, जिससे हमारे यहां जो पेशेंट आते हैं उनके साथ जो उनके अटेंडेंट आते हैं उनको इससे सहयोग मिलेगा और उनकी ज़रूरत थी इसकी। इसके लिए मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूं कि ये समाज के लिए ये सोसाइटी ऐसा काम कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि दूर दराज के क्षेत्र में आकर जिस तरह से सोसाइटी ये इस तरह की पहल कर रही है, हमारे लिए ये मैं इनका धन्यवाद करता हूं और इनको बधाई भी देता हूं कि समाज को जो आज समाज हमारा ट्रैक से बाहर हो जाता है कई बार कुछ बातों में, तो इस तरह से काम जब हो जाते हैं तो समाज को एक सुदृढ़ करने के लिए ये एक पहल होती है। तो ये सोसाइटी अच्छा काम कर रही है। अभी हाल ही में हमारे यहाँ एक हमारी लड़की जिसको रीच ने उस पर अटैक किया था और उसमें उस लड़की को काफ़ी गंभीर चोटें आई थी, उसका PGI में ट्रीटमेंट चल रहा है और मुझे प्रिंसिपल साहब जो हमारे यूनिस मलिक है इन्होंने बताया कि हमने उस लड़की के लिए भी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से इन्होंने 25,000 रुपये उसके लिए डोनेट किया, उसको इकट्ठा करके दिया। तो उसको सोसाइटी की तरफ से जब उसको ये पैसे मिले तो उसका इलाज जो है PGI में अच्छे ढंग से हो रहा है और वो बेटी जो अभी पीछे घर आई थी, विभाग की तरफ से भी उसको कुछ राशि दी गई है। विभाग पे भी हम लोग विभाग के भी हम संपर्क में हैं कि उस बेटी का जो भी और विभाग की तरफ से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जो उसको पैसे मिलने हैं वो मिले, ताकि सोसाइटी की उसकी एक आंख चली गई है उस लड़की की, तो उसका इलाज जो है PGI में हो रहा है। तो उससे जो ये सोसाइटी इस तरह के काम करती है, इससे ज़रूरत पे ये काम करती है और समाज के लिए ये बहुत बड़ा अच्छा काम कर रही है सोसाइटी। तो मैं पुनः इनके अध्यक्ष जो है हमारे एडवोकेट लतीफ़ जी, इनके पूरी टीम, इनके जितने भी पदाधिकारी, इनके जनरल सेक्रेटरी, इनके उपप्रधान, इनके मेंबर साहबान और जितने भी सोसाइटी के लिए योगदान करते हैं, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं कि ये क्षेत्रवाद ना करके हर जगह जहां ज़रूरत होती है कहीं विशेष धर्म या किसी उसके लिए भी काम करके पूरे समाज के लिए काम कर रही है सोसाइटी। तो मैं सोसाइटी का धन्यवाद करने के साथ इसकी सोसाइटी की और इसके भविष्य की उज्जवल कामना करता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं पठाना जी का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमारे छोटे जैसे प्रोग्राम में अपनी हाजिरी लगाई, और मैं धन्यवाद करूँगा अपनी सोसाइटी के मेम्बरान का कि जो सोसाइटी के लोग इस सोसाइटी को फाइनेंशली एड देते हैं और उस एड की वजह से हमारी सोसाइटी चलती है। ये हमने जो पहल की थी आपके लिए, हमारे मीडिया के प्रभारी गुलजार जी इन्होंने विजिट किया था 2-3 दिन पहले, तो एक इनको भी लगा कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। प्रधान हमारी सोसाइटी के अध्यक्ष हैं याकूब मागरा जी, यूनुस मलिक जी यहाँ के महासचिव हैं,
और तमाम जितने भी हमारे लोग हैं ये सब सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे बीच में दिलावर जी, जो हमारी ये हमारी जो सोसाइटी है ऑल हिमाचल लेवल पे काम करती है, और हिमाचल के उपाध्यक्ष हैं दिलावर जी, इकबाल भाई हमारे सलाहकार हैं। तो मैं तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि एक समाज में अच्छा माहौल क्रिएट करने के लिए, जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करने के लिए ये तमाम लोग फाइनेंशियली हमें एड करते हैं, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी को कोई सरकारी या किसी संस्था के द्वारा कोई भी अंशदान नहीं दिया जाता है। हमारी सोसाइटी के जितने मेंबर हैं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, शाहिद भाई हैं, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, कई लोगों से तो हम जबरदस्ती पैसा मांगते हैं कि भाई इतनी रिक्वायरमेंट आप पैसा दो। तो मैं इन तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूँ और अल्लाह से ये दुआ भी करता हूँ कि जितने लोग हमारी सोसाइटी के लिए ताउन करते हैं इनकी कमाई में अल्लाह बरकत अदा करे। और इस प्रकार के हम जरूरतमंद जैसे हॉस्पिटल में, स्कूल में, ऐसा होता है कि ये सोसाइटी जो है हमारी ये बनी है मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के नाम से, पर ये सोसाइटी मुस्लिम का ही वेलफेयर नहीं करती, ये सोसाइटी, इस सोसाइटी में लोग जुड़े सारे मुस्लिम समाज के, इसलिए सोसाइटी का नाम रखा गया मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी। पर ये जो हमारी सोसाइटी है समाज के तमाम लोगों का, चाहे कोई पेशेंट हो उसकी मदद के लिए, जिस किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति का हो, जिस किसी भी धर्म का हो, हर आदमी जो समाज में अग्रीवड आदमी होता है, हमारी ये कोशिश रहती है कि हम अग्रीवड आदमी को न्याय दिलाने के लिए, उसको लाभ पहुंचाने के लिए, उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए हम काम करते हैं। और एक बार फिर मैं पठाना जी का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे बीच में ये आए, और जितने भी हमारे सोसाइटी के लोग इस सोसाइटी को चलाने के लिए ताउन करते हैं, मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूँ कि ये सोसाइटी को ताउन करते हैं, और इनके ताउन से ही हमारी सोसाइटी चली है।